मेरी मेरी जी मदर इन लॉ आ पेशे वजो एक दाई है। मैनू बेहोश करके मैनू बेसुरत करके मेरे अंदरों मेरा बच्चा जोड़ा वा वो अबॉट करके क्ढ लिया। मेरे नाल जी बड़ा धक्का होया जी। इंडिया के मैं पिछले 6 साल तो आस्ट्रेलिया रहन दी हां ते मैं अपने हस्बैंड नूं इत्थों आस्ट्रेलिया लैके गई सी। गुरदासपुर के कस्बा कलानौर के पिंड रुड़ियाणा की लड़की जो कि आस्ट्रेलिया की सिटीजन है उसने अपने पति समेत सहुरे परिवार के उपर तंग परेशान करन दे दोष लगाउंदे होए गंभीर आरोप लगा के थाना कलानौर दे विच तशद्दद करन दी कंप्लेंट दर्ज करवाई है जिस दे तहत पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करदे होए धारा 498A दे तहत पहलां उन्हां दे पति अते कुछ परिवारक मैंबरां दे उपर मामला तां दर्ज कर लिया सी पर पीड़ित लड़की ने पुलिस दे उच्च अधिकारियों नूं मिल के अपने ते होई अत्याचार बारे सबूत भी पेश कीते ने जिस तो बाद DSP हैडक्वार्टर दे वल्लों कीती छानबीन दे आधार दे उपर धारावां दे विच वी वाधा कीता गया है जिस विच पीड़िता दे पति सस अते ननान दे उपर वी मामला दर्ज कर लिया गया है। तां इस पूरे मामले दे बारे विच जो पीड़ित लड़की है नवजोत कौर जो कि NRI लड़की है उस दे वल्लों की कहा गया है आओ सुनदे हां। मेरे नाल जी बड़ा धक्का होया जी। इंडिया दे विच मैं पिछले 6 साल तो आस्ट्रेलिया रहन दी हां ते मैं अपने हस्बैंड नूं इत्थों आस्ट्रेलिया लैके गई सीगी ते उन्होंने मैनू उत्थे इन्ना क ज़्यादा जाके मैंटली हरासमेंट करना मार कटाई करनी जिदी कि जिहड़ी रिपोर्ट हैगी आ जिदी कि मैं एक कंप्लेन आ वह विक्टोरिया पुलिस नूं भी दित्ती आस्ट्रेलिया मेलबर्न दे विच। उस तो बाद जी उन्होंने मैनू इन्ना क ज़्यादा साल भी नहीं सी होया हजे गया नूं ते इन्ना क मैंटली हरासमेंट करना शुरू कर दिता कि लोड़ तो ज़्यादा ही मैनू टॉर्चर करना शुरू कर दिता। जिद मैं टॉर्चर ना सह पाई तो मैं अपने इंडिया आ गई अपने मतलब मैं अपने सहुरा परिवार को आई। सहुरा परिवार ने मैनू मतलब क्या कि तू इतों चली जा असी नहीं तेनू रखना। जो मैं कहा कि नहीं मेरा घर खराब होंदा या ये कहें कि नहीं तू चली जा इन्होंने मेरी मार कटाई करके मैं घरों काढ़ दिता। उस तो बाद मैं कलानौर मोहल्ला नवा कटरा कलानौर नियर गुरदेव मैडिकल स्टोर के नाल ही घर हैगा आ ईश्वर डॉक्टर के बिल्कुल सामने इतने करवाई सी 2020 तो 2022 दे विच मैं अपने हस्बैंड नूं सेकेंडरी एप्लीकेंट ते TR ते लैके गई सीगी इत्थों। हाँ जी असी मेरी मेरी भतीजी आ उहदे राहीं आपां कॉन्टैक्ट च होए सीगे लव कम अरेंज सीगे। मसला यह होया कि इन्हां ने मेरी मेरी जिहड़ी मदर इन लॉ आ उह पेशे वजों एक दाई है मैनू बेहोश करके मैनू बेसुरत करके मेरे अंदरों मेरा बच्चा जोड़ा वा वो अबॉट करके काढ़ लिया जिदा कि मैनू जिदी कि बड़ी एक लंबी तफ्तीश चली लंबी तफ्तीश तो बाद जो कि है लोगों के सामने सच आया। इस मामले दे विच 3 जाणियां ते FIR दर्ज हुई आ मेरी सस वरिंदरजीत कौर ते नवजोत कौर मेरी मदर इन वरिंदरजीत कौर उर्फ भोली मेरे जिहड़े ने मदर इन लॉ ने सिस्टर इन लॉ नवजोत कौर ते तो मेरे हस्बैंड भुपिंदर सिंह ते जिन्हां ते कि 498, 313, 315, 420, 120B ते एक एक्ट लगा मेडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रैगनेंसी। पहला जो इस कंप्लेन नूं चलदे आ पूरे अज 6 महीने हो गया मैनू इंडिया दे विच पहला जो ये मामला चलिया सीगा उदों मतलब सिर्फ 498A दा परचा होया सीगा। फिर मैं SSP रिस्पैक्टेड जिहड़े साडे ने गुरदासपुर दे उन्हां नूं जाके रिक्वेस्ट कीती कि प्लीज़ मैनू मेरा बनदा इंसाफ नहीं मिलिया। फिर उन्होंने मतलब उन्होंने मैंने कहा कि तुसी एक रिटर्न कोई कंप्लेन दवो दोबारा। फिर मैं उन्होंने एक कंप्लेन दी दोबारा पड़ताल हुई सारा कुछ होया होने तो बाद जिहड़े ने DSP हैडक्वार्टर ने राजबीर सिंह उन्होंने मेरी बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल जिहड़ी है मेरी इनक्वायरी की जिदे विच कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई आ। इन्हों का फैमिली बिजनेस हैगा जी सर इन्हों का फैमिली बिजनेस आ इन्हों की सिस्टर जिहड़ी आ नवदीप कौर हालांकि वह भी इस प्लैनिंग दे विच पूरी पूरी उस हिस्सेदार आ चलो वह FIR च नाम तो नहीं आया पर इन्हों का फैमिली बिजनेस हैगा आ ये मतलब यूज़ करते उन्होंने भी अपने हस्बैंड के नाल सेम ही किया। पहला मुंडे ने न्यूजीलैंड खड़िया उन्होंने न्यूजीलैंड जो पहुँच गई पहुँचने तो बाद वीज़ा चेंज कर लिया मतलब कि फैमिली बिजनेस ही चलता आ रहा जी जो कुछ भी है इन्हों का फैमिली बिजनेस ही यही है बाहर जाना लोगों को बेवकूफ बना तो इन्होंने इस चक्कर च मेरा बच्चा जोड़ा वा इन्होंने मेरी सस ने जोड़ा मेरा बच्चा मार दिता। उस बच्चे मारन की यह वजह रही आ कि जे बच्चा रहा
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਏ ਲੋਅ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇ ਮਤਲਬ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੋਅ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਖੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਪਿਛਲੇ 6.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, TR ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 485 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ TV।